हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज मैं इस वीडियो में बता देता हूँ कि आप किसी भी पीसी में आप अपना फोल्डर कैसे बनाएं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको पहले पीसी ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको दबाना है विंडो आर। दबाने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पे लिखना है नोट पैड, उसके बाद ओके कर दीजिए। ओके कर देने के बाद कुछ इस तरह आएगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है MD स्पेस R। दोस्तों, आर मतलब कि आप जिस नाम से फोल्डर बनाना चाहते हैं। फिर यहाँ पे लिखना आपको COPY SPACE CON, यहाँ पे R, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे आपको करना है सेव, कंट्रोल सेव। कंट्रोल सेव करने के बाद कुछ इस तरह आएगा, तो आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप नीचे आइए। नीचे पर आ जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर आपको यहाँ पे ऑल फाइल कर देना है। ऑल फाइल कर देने के बाद यहाँ पे आपको फोल्डर का नाम लिखना है जिस फोल्डर से बनाना चाहते हैं, B.BAT, यहाँ पे सेव कर दीजिए। सेव कर देने के बाद यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पे कैंसिल करोगे तो इस तरह कुछ आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मेरी एक बी नाम की एक फ़ाइल आई है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस पर डबल क्लिक कर लीजिए। तो आप जैसे ही इस पर डबल क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का आएगा, तो आपको यहाँ पे Ctrl Z दबा देना है। जेड दबाने के बाद यहाँ पर आपको एंटर दबाना है। ये देखिए दोस्तों, मेरी आर नाम की फ़ाइल आ चुकी है। तो इस तरह अगर आप किसी भी पीसी में फाइल बना सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, एक बात मैं बता देता हूँ कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी लेटेस्ट न्यू वीडियो अगर आपके पास आती रहे। थैंक यू गाइज़।